तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। तो चलिए आपको दिखाने वाले वीडियो पाकिस्तान की हैं, जो कि पाकिस्तान की पब्लिक बोल रही है कि जो है वर्ल्ड कप को लेकर पीएम मोदी ने उनको जो है धन्यवाद दिया, और इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 400 करोड़ रुपए जो है उनको मिले खिलाड़ियों को। तो चलिए आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में वर्ल्ड कप को लेकर क्या बोल रही है, और 3 खिलाड़ियों ने रिजाइन किया उसके बारे में क्या बोल रही है। और वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहे अंत तक। मोदी ने उनको मुबारकबाद दी, MS धोनी ने उनको मुबारकबाद दी, BCCI ने 125 करोड़ इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपए में बात करें तो 400 करोड़ के पार की बात है। तो क्या कहेंगे, कितना दिलकश नज़ारे है। और इंडियन लोग आज 3 दिन हो गए वर्ल्ड कप खत्म हुए को, यकीन कर लें कि बहुत ही खुश हैं। इंडिया में तो कुछ भी नहीं पाकिस्तान से, उससे ज़्यादा मैंने खुद कह लें कि 50,000 प्लस शायद मैंने अपनी जात के लिए छोटा सा कह लें कि अपनी पॉकेट मनी से जो खर्चा किया हुआ है सिर्फ इंडिया की 50,000 रुपया आपने खर्च कर दिया, प्लस किया हुआ है, ठीक है। और क्या किया था, क्या जश्न मनाया था? हम वो असल दोस्तों का ग्रुप था जिस वजह से हमने काफी सारा किया, और इंडिया में नहीं पाकिस्तान में बहुत सारा हुआ है। और इंडिया में तो ये मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं था, अगर ये पाकिस्तानी टीम होती इससे भी जो है। चैंपियन ट्रॉफी विन करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है और उनका बहुत वार्मली वेलकम किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, लेकिन उनकी खुशी है कि फूले नहीं समा रही। पहली बात तो ये है कि काश जो है ये खुशी हम भी देखते और हम भी जाते पाकिस्तानी टीम को इस तरह से रिसीव करने, लेकिन चले कोई बात नहीं, इंडिया भी हमारा हमसाया मुल्क है और इंडिया की भी हमें उतनी ही खुशी है जितनी हमें अगर पाकिस्तान जीतता तो होती। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया। आई एम स्टिल पिंचिंग माई सेल्फ कि यार ये वाकई में हो गया है। रोहित शर्मा ने जो इतने अरसे से मेहनत की, विराट कोहली ने जो इतने अरसे से मेहनत की, हार्दिक पांड्या की आंखों में जो आंसू थे वो बता रहे थे कि भाई वी हैव फाइनली अकम्पलिश्ड, वी हैव फाइनली डन इट, वी हैव फाइनली वॉन इट। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक टाइम था कि ODI के वर्ल्ड कप के ऊपर इन्होंने पैर रखे थे, और यही वो वर्ल्ड कप है T20 का वर्ल्ड कप जो इन्होंने जीता है। और ये लोग ऐसे हैं जैसे ये लोग जमीन पर पैर नहीं रखते, ये डायरेक्ट आसमान के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। तो वो कहते हैं ना मेरे पैर ने जमीन उतने लगते, तो वो वाला हिसाब किया हुआ इंडिया ने। इंडिया इज सो हैप्पी, और ये चीज बताती है कि इंडिया ने कितनी मेहनत की है। और आवाम की खुशी को मद्देनजर रखते हुए एयरपोर्ट में बड़ी सख्त सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि जाहिर है इतने सालों के बाद जो है उनके यहाँ एक खुशी आई है। लेकिन ये T20 वर्ल्ड कप कहीं ना कहीं गम भरा भी रहा है, क्योंकि तीन वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर जो है अब इंटरनेशनल T20 टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। उनके फैन बहुत ज्यादा उदास है कि एक खुशी के साथ एक गम भी देखे। लेकिन ये है कि पहली चीज ये है कि इतना दुख नहीं है, किसी को भी इतना दुख नहीं है, मतलब लोग बहुत सैड है, बहुत ज्यादा सैड है एज विराट कोहली फैन, एज रोहित शर्मा फैन, एज रविंद्र जडेजा फैन, मैं खुद बहुत सैड हूँ। बट स्टिल दे हैव अ स्प्लेंडेड एंड। वो कहते हैं ना इट वॉज अ हैप्पी एंडिंग, एंड इफ इट इज नॉट हैप्पी इट इज नॉट इवन एन एंड। तो ये एक बहुत फेमस डायलॉग है शाहरुख खान का, और उसमें मैं आपको बताती हूँ ना कि देखे कितनी कमाल की एंडिंग की है उन्होंने। वर्ल्ड कप जीता, वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ना बोली और अपने आप को जो है उस साइड से अलग कर लिया। देखिए यही चीज़ होती है एक बड़े प्लेयर, एक बड़े इंसान और एक बड़े कहते हैं जमीर की बात होती है। आई एम स्पेयरिंग द रूम फॉर द यंगस्टर्स ताकि वो आए और वो आकर अपना जलवा दिखाए। ये वाला हम विराट कोहली को देना चाहेंगे, और ये वाला रोहित शर्मा क्यों? नहीं, इतना छोटा नहीं, इतना छोटा नहीं, उसके लिए वो पीछे है ना, जो पीछे है वो चलेगा, वो जो साइज होता है ना हमारी, गुड लक, गुड लक है। तो इसका मतलब है कि आपके सितारे बिल्कुल गर्दिश भी नहीं है, तो आप टेंशन ना लें। और देखें पाकिस्तान जो है उसको सीखना चाहिए इंडिया से, प्लीज कुछ सीखे। इंडिया कितना खुश था, सूर्या कुमार यादव स्लीपिंग विद द ट्रॉफी एंड वो बड़ी वायरल हो रही है। ये क्या हुआ, ये गिफ्ट मिल गया है, ये इनकी तरफ से कहा गया। अच्छा ये सबसे छोटा है, ये गिफ्ट दे दे। ये व्हेन यू आर गोना कम हियर आई एम गोना गिफ्ट यू दिस। ओके हां, ओके, बेस्ट हो गया, थैंक यू। अच्छा
अब मैं आपको एक बात बता दी, उसमें ये सिचुएशन है कि हम लोग देखे, मैं आपको कह रही थी सूर्य कुमार यादव स्लेप्ट विद दैट ट्रॉफी एंड रोहित शर्मा वो कब एंड सेंट अ ट्रॉफी सेंड द पिक्चर ऑन इंस्टाग्राम ना, एक सेल्फी थी जिसमें उन्होंने कहा था गुड मॉर्निंग, तो उसके साथ ट्रॉफी बिल्कुल उनके टेबल पे थी। सारी रात कोई सोया नहीं होगा ना, सुपर सुपर हैप्पी कि यार फाइनली दे हैव गॉट दिस, फाइनली हैव दे वॉन दिस एंड इट्स समथिंग दैट दे रियली डिजर्व। अब बात आती है मेन पैसे की बात, एक सौ पच्चीस करोड़ टू बी एग्जैक्ट पाकिस्तानी रुपीज में 416 करोड़ रुपया बनता है, ठीक है, और 416 करोड़ अगर पाकिस्तानी जीत कर आ जाता, मतलब पीसीबी ने वैसे तो देना नहीं था, ये तो बीसीसीआई की तरफ से दिया गया। पॉइंट मेरा ये है कि 125 करोड़ जो है वो उन्होंने कमाया, ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक एक लाइक लाखों की इंडोर्समेंट के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग क्रिकेट को नहीं देख रहे, तो यार आप देखें इस चीज को, फर्क को समझे, उनको पैसों की जरूरत नहीं है, कितने सालों से उसने इस चीज के बारे में मेहनत की खुद को पकाया खुद को जलाया और उसके बाद आज उसको सिर्फ इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी, अगर आप पाकिस्तान में मेन पॉइंट देखें तो वहाँ पे भी जश्न कर रहे हैं, क्योंकि एशिया में कप आया हुआ है और पाकिस्तान में भी जश्न हो रहा है, बहुत कर रहे हैं, हम खुद बहुत ज्यादा खुश हुए हैं और इंडिया ने जिस तरह ट्रॉफी वगैरह जीती और जिस तरह उन्होंने पूरा एक वर्ल्ड कप T20 का खेला और बड़ी बड़ी टीमों से खेला, साउथ अफ्रीका को बहुत छोटी टीम नहीं थी जिससे उन्होंने जीता है, और यकीन कर लें कि बहुत ही खुश हैं, इंडिया में तो कुछ भी नहीं पाकिस्तान से, उससे ज़्यादा मैंने खुद कह लें कि 50,000+ शायद मैंने अपनी जात के लिए एक छोटा सा कह लें कि अपनी पॉकेट मनी से जो खर्चा किया हुआ है सिर्फ इंडिया की जीत, 50,000 रुपया आपने खर्च कर दिया प्लस किया हुआ है, ठीक है, और क्या किया था, क्या जश्न मनाया था, हम वो असल दोस्तों का ग्रुप था जिस वजह से हमने काफी सारा किया और इंडिया में नहीं पाकिस्तान में बहुत सारा हुआ है, और इंडिया में तो ये मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं था, अगर ये पाकिस्तानी टीम होती इससे भी ज्यादा होना था। सर इतनी बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, नहीं कार तो इंडियन टीम के वेलकम के ऊपर, इंडियन टीम जो है वर्ल्ड कप विन करने के बाद दोबारा से 140 करोड़ आवाम से वार्मली वेलकम रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी है। अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड कप निहायत ही अनोखा रहा, इंडिया की जो इस तरह से विक्ट्री हर टीम के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छे से खेला, अब जो 140 करोड़ आवाम जो है टीम का वेलकम करने के लिए आई हुई है, सिक्योरिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा बंदोबस्त कर लिया गया है, क्या कहेंगे, 3 दिन से ज़्यादा हो गए लेकिन वर्ल्ड कप की जो खुशी है वो खत्म होने का इंडिया में नाम ही नहीं ले रही, यकीनन खत्म होनी भी नहीं चाहिए, जिस तरह का उन लोगों ने झंडा गाड़ा है ना बारबाडोस के अंदर, मैं कहता हूँ उनका वार्म वेलकम ही होना चाहिए। अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता ना, यकीन कर ले मैं अपने 17 सारे थंडर तैयार जो है ना वो भेजता उनके वेलकम के लिए, कि भाई उनको जो है ना जैसे ही फजाई हदूद में, इंडिया की फजाई हदूद में दाखिल हो, वहां से जो है ना वो गोले बारूद शुरू होने चाहिए, भाई इतना वेलकम करो, यकीन कर ले ट्रॉफी जीत के आया, जंग जीत के नहीं, ट्रॉफी जीत के ऑब्वियसली बात है, खुशी तो देखें भाई, ये इंडियन टीम इंडियन टीम है जो हर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देख ले, वहां पे फाइनल के अंदर जाती है, वहां पे खेलती है, वहां पे हार जाती है, ओडीआई वर्ल्ड कप में जाती है, वहां से हार जाती है, 2021 में पाकिस्तान से हार के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना भी बाहर हो जाते हैं, मतलब वो इतनी स्ट्रगल कर रहे थे कि इतनी अच्छी टीम होने के बावजूद कोई ट्रॉफी नहीं जीत रहे थे, तो उनके लिए बहुत ट्रॉफी जो है वो मैटर करती है, रोहित शर्मा के लिए खासतौर पर मैटर करती है, विराट कोहली के लिए मैटर करती है, भाई वो गेम के लेजेंड्स हैं, इन्होंने गेम को बनाया है तो उनका इतना वेलकम तो डिजर्व करते हैं ना, उनका वेलकम तो बनता है ना भाई, जिस तरह के विराट कोहली रोहित शर्मा प्लेयर है ना, यकीन कर ले ये मैंने बहुत कम बात बोल दी है, इससे भी ज्यादा वो लोग डिजर्व करते हैं। जय शाह ने, सेक्रेटरी जय शाह ने ये कहा था कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद अब टीम इंडिया जो है ना वो बारबाडोस में जाके तिरंगा लहराएगी, वहां पे तिरंगा गाड़ेगी, लेकिन रोहित शर्मा ने वो सच करके दिखाया, ठीक है, ये होती है डेडिकेशन किसी कंट्री के लिए, ये पैशन के साथ खेलने की ये होती है डेडिकेशन, उस बंदे ने ट्रॉफी जीत के वहीं पर झंडा गाड़ा और दिखाया जय शाह को कि भाई देखो ये मैंने ट्रॉफी जीती है और ये तुम्हारा रहा तिरंगा, उसने वहीं पर ऐसे करके गाड़ के उसको दिखा दिया, तो वेलकम तो बनता है भाई, ग्रैंड वेलकम बनता है, और उन्होंने 140 करोड़ आवाम को खुशियां दी हैं, यकीन करें कि लोग जो है ना वो बाहर अभी तक अपने घरों में जो है ना शाम को निकल आते हैं बाहर ट्रॉफी को एंजॉय करते जब तक उनकी टीम वापस नहीं आ रही, वो तो एक जो है ना वो तूफानी आफत की, और एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया क्योंकि आवाम की खुशी जो है इतनी बड़ी है कि उन्होंने बड़े जो है ना स्पेशल तरीके से जो है खिलाड़ियों को वहां से निकालने का बंदोबस्त किया है, क्योंकि आवाम जो है फूलों के हार और कहते ना अपनी इंडियन करेंसी, ढोल, मिठाइयाँ, पेड़े, दिवाली के पटाखे सब लेके आ गए कि हमने विराट का वेलकम करना है, हमने रोहित शर्मा का वेलकम करना है, क्योंकि टीम इंडिया जो है खाली हाथ वापस नहीं आई है बल्कि ट्रॉफी के साथ आई है। एग्जैक्टली जिस तरह वहां पे इंडिया में मशहूर है कि दो चीजों को जो है वो पूजा जाता है, भगवान की तरह पूजा जाता है, एक क्रिकेट है और दूसरा बॉलीवुड है, तो भाई उनके लिए जो है ना वो आज वो फाइनल जीत गए,
हैं, दुनिया की ट्रॉफी एक लेके आए हैं, तो वाई नॉट के वो फैंस जो है ना वो एयरपोर्ट से क्यों निकले बाहर। फैंस जो है ना वहाँ पे इस तरह क्रिकेट को लेते हैं ना, मैं कहता हूँ जिस तरह उनका वो कोई धर्म हो, जिस तरह का उनका कोई मजहब है, तो वो तो भाई मैं कहता हूँ उसके लिए मर मिटेंगे। देखा नहीं आपने क्या, जब भी फाइनल इंडिया जीता है तो वो लोग मैं कहता हूँ सड़कों के ऊपर इस तरह पूरा 140 करोड़ आवाम जो है ना वो इंडिया की सड़कें भरी हुई थी, पूरा इंडिया जो है ना वो बाहर आया हुआ था, तो भाई उनको वो डिजर्व करते हैं और वो लोग अपने सेलिब्रेट करने का हक रखते हैं, वो चाहे जिस तरीके से मर्जी सेलिब्रेट करें। मैं देख लें आप इधर से अंदाजा लगा लें कि लोग जो है ना वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल रहे, तो वो लोग अपने जो है हीरोज के साथ लव करते हैं और हीरोज भी रिटर्न में उनको जो है ना वो अपना प्यार जो वो लोग करते हैं उसके रिटर्न में भी उनको गिफ्ट दे देते हैं, लाइक जिस तरह भी उन्होंने ट्रॉफी जीती है। इंडियन टीम वापस आ चुकी है, बड़ा वार्मली इनको वेलकम किया जा रहा है, 140 करोड़ लोग बेसब्री से अपनी टीम का इंतजार कर रहे थे, वो ट्रॉफी देखने का इंतजार कर रहे थे जो कि इंडिया ने मुसलसल दिन रात की सख्त मेहनत रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंदर हासिल किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो या बड़े बड़े प्लेयर्स हो, सब जो हैं इंडियन टीम को फूलों के हार पहना रहे, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। क्या कहेंगे कि 3 दिन हो चुके हैं लेकिन वर्ल्ड कप की जो खुशी है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ये खुशी जो है ये हमेशा चलेगी, मतलब जिस तरह हम जो है 2009 की खुशी अभी तक मनाती हैं कि हमारी टीम 2009 का वर्ल्ड कप जीती थी, ये इंडिया की टीम के लिए इतनी बड़ी खुशी है कि वो अनबीटेबल होते हुए रोहित शर्मा की कैप्टनसी में, रोहित और विराट ने रिटायरमेंट भी तब ली जब उन्होंने टीम को चैंपियन बनाया, मतलब एक बहुत बड़ी खुशी है। और मैं समझता हूँ कि इस खुशी के लिए जिस तरह जब भी टीम जो है अपने मुल्क इंडिया में जो है एंटर हो तो तब वहाँ पर 140 करोड़ आवाम उनको जो है रिसीव करने के लिए खड़ी हो, तमाम लोग सड़कों पर हुई, इवन के प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी चाहिए कि वो जो है एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करें, मतलब इतनी बड़ा खुशी दिया उन्होंने पूरे इंडियन नेशन को, बल्कि पूरे एशिया नेशन को। और देखें T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना कोई मतलब कि छोटी बात नहीं होती, और वो भी देखें अनबीटेबल होते, किसी से नहीं हारी जो, मतलब हर एक मैच जीती गई। और जिस तरह आपने बात की कि उनका इस्तकबाल के लिए क्या क्या लोग कर रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मतलब उनके वजीर आजम जो, उन्होंने रोहित शर्मा विराट से वीडियो कॉल पर बात की, उसके साथ साथ वो जो है उनको हार पहनाएंगे, तो भाई मैं समझता हूँ अभी भी ये इस्तकबाल कम है, उनके इस्तकबाल के लिए ऐसा कुछ एहतमाम करें कि भाई दुनिया हैरान हो जाए, ऐसा लग रहा है कि आज फिर वर्ल्ड कप है। एग्जैक्टली मतलब जाहिर है जब इंडिया की टीम इंडिया में पहुंचेगी असल खुशी तो तब होगी ना, अभी तो उन्होंने जो है और एयरपोर्ट पे बड़ी सख्त सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है, रोहित शर्मा के जैसे स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उनके एयरपोर्ट से एग्जिट की जो है वीडियोस बाहर आ रही है, लोग बहुत ज्यादा खुश है, वो कह रहे हैं कि ये जो खुशी है ना ये रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली के अलावा अगर नामुमकिन ही नहीं थी, नामुमकिन नहीं, बिल्कुल ऐसे रोहित शर्मा अगर कैप्टन ना होता मैं समझता हूँ ये खुशी कभी भी नहीं मिलनी थी, विराट कोहली अगर लेजेंड परफॉर्म ना करता ये खुशी कभी भी नहीं मिलनी थी, मतलब इन लेजेंड्स का। देखें मैं पूरी इंडियन नेशन को कहूंगा कि आप शुक्रिया अदा करें विराट कोहली जैसे लेजेंड प्लेयर का, आप शुक्रिया अदा करें रोहित शर्मा जैसे, भी तो है ना कि वो T20 में नजर नहीं आएंगे भाई, 3 बड़े प्लेयर्स ने जो है रिजाइन कर दिया है T20 से। आप यकीन करें मतलब इंडिया के चैंपियन बनने का एक टर्म के लिए बहुत ज्यादा खुश हुई, लेकिन उसके चंद लम्हे बाद जब पता लग चला कि विराट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, तब यकीन करें एक टाइम के लिए सुन हो गए रह गए, मतलब खून ऐसे लगा कि जम गए भाई, विराट रिटायरमेंट, रोहित शर्मा रिटायरमेंट, मतलब अब T20 हमें देखने को नहीं मिलेगी जिनकी वजह से हम क्रिकेट देख रहे हैं, जब हमने होश संभाला हम इन लेजेंड को देखते आ रहे हैं T20 फॉर्मेट में, मतलब उनकी क्रिकेट से अलहदगी ये हम बर्दाश्त ना कर सके। सवाल ये भी तो है ना, एक तरफ से हम इंडिया को प्रेस करते हैं, उनसे दोस्ती की बात करते हैं, दूसरी जानिब कहते हैं कि इंडिया में तो इतना कैलिबर ही नहीं था, ये तो ICC ने जितवा दिया, तो फिर जब इस तरह की स्टेटमेंट जाएगी तो दोस्ती का जो पौधा है वो कैसे परवान चढ़ेगा। देखिए इंडिया में कैसे कैलिबर नहीं है, आप स्टेटमेंट उनकी जो है परफॉर्मेंस उठा के देख लें, उन्होंने एशिया कप जीता, उसके बाद वर्ल्ड कप में वो अनबीटेबल फाइनल तक गए, फाइनल हारा, उसके बाद उन्होंने कोई सीरीज जो है वो ना हारी, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल होते हुए जीता, इससे ज्यादा परफॉर्मेंस ऑल इंडिया टीम क्या दे, अभी भी उनकी परफॉर्मेंस पर कोई शक है तो भाई हम फिर आपका जवाब नहीं दे सकते, मतलब पाकिस्तान की टीम नहीं फिर आपकी नजर उतारनी चाहिए। एग्जैक्टली फिर कोई सदका दो, अपनी टीम के लिए कोई परफॉर्मेंस करो, अपनी टीम के लिए कोई रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे कैप्टन लाओ या फिर उन जैसे कोई कोच लाओ, ताकि आपकी टीम भी कोई निखरे संवरे, ताकि आपकी टीम भी कोई मुकाबला तो करे इंडिया का। भाई दोस्तों आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में बताना, तब तक के मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।